नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए, मंडे मतलब 28 30 30 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और इसके अलावा जो मैंने और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाइसेल लेवल कम स्किनर का जो फाइल बनाता हूँ उसमें बाइसेल लेवल कम स्किनर का फाइल में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का बहुत सारा 22 3 सेट है। बाइसेल लेवल, गन लेवल्स, मुरे लेवल्स, एलियट लेवल्स, ये सब दिखाता हूँ, और फिबोनाची लेवल्स और ये आप लोग को दिखाता हूँ, 360 डिग्री एनालिसिस। इसके अलावा और भी कैंडल स्टिक पैटर, इनसाइड द वार, NR4, बहुत सारा चीज़ दिखाता हूँ। तो वीडियो का भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मार्केट से प्रॉफिट कमा कर सकता है। तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो और बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बाइसेल लेवल कम स्किनर है, इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, हाउ टू स्क्रीन, ये सब वीडियो से आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को इसको कैसे काम आप लोग इस्तेमाल करके इसको आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करेगा। तो इसका आप लोग देख सकता है कि इसका कैसे इसको ये इसको क्या 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 है, कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है, वो आप लोग देख लीजिए। और जो मेरा मैंने फ्री ट्रायल देता हूँ इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे। और इसमें इसमें फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। और जो लोग आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू और आप स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है तो वो भी अब उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए इधर मैंने निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो मैंने कल डिस्कस किया था कितना दूर जा सकता है, ये मैंने बोला था कि ये रिट्रेस होगा, रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा, कितना दूर तक जा सकता है मैंने वो भी लेवल दिया था, 9200 9700 9900। उसके बाद 10550 तक ये रिट्रेस हो सकता है अभी, और ये 30 31 मार्च तक कुछ इसका बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये स्लो आएगा। उसके बाद एक दिन रिट्रेस हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसका डाउनफॉल आने का चांस प्रोबेबिलिटी है। तो आज इसका देखिए इसका जो ये फिर से एक बुलिश कैंडल बना है, और इसमें ये 9038 तक इसका लेवल गया था, 9038 तक। तो 9038 तक इसका जो लेवल है उसके बाद ये 9200 तक इसका लेवल आ सकता है, उसके बाद 9500, उसके बाद 9700, उसके बाद 990, उसके बाद 10550 तक ये आ सकता है। तो इधर आप लोग और नीचे जो सपोर्ट है, इधर जो सपोर्ट दिख रहा है इसका इस लेवल में मतलब 8500 का लेवल पे एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 8000 का लेवल में सपोर्ट है, उसके बाद ये 7500, उसके बाद 7200, उसके बाद 7200 के बाद ये 64 का लेवल पे आ सकता है, उसके बाद 6200 का लेवल में आ सकता है, उसके बाद ये 5600 तक आ सकता है। तो उसके बाद ये 4600 से 4600 इसका लेवल से ये रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन इस महीने एक महीना या दो महीना ये लग सकता है या तीन महीना भी लग सकता है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। तो इसके लिए अब ऐसे है निफ्टी का चार्ट। तो मैंने बैंक निफ्टी का भी ऐसा है, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोग को चार्ट दिखाने का कोशिश करूँगा। मैंने आप लोग को लेवल दिखा दूंगा, उसके हिसाब से अभी चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि उसका हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, उस साइकिल पे ही मार्केट आप लोग काम कर रहा है। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट।
ये भी आज एक बुलिश कैंडल बना है एज यूजल, जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था ये बुलिश कैंडल ही बना और बदल था। ये इसका जो जो चैनल है ये ब्रेक हो चुका है, इसका जो चैनल का जो मिडल है इसका ये ऊपर किया है, इस चैनल को लगता है ये ब्रेक करेगा। तो इसका जो सपोर्ट मिलेगा पहले वाला ये 22,500, उसके बाद 23,000, उसके बाद 24,000, 24,000, उसके बाद 24,500 का लेवल तक ये आ सकता है। 24,500 का लेवल तक ये रिट्रेस हो सकता है। नीचे का जो लेवल दिख रहा है ये 18,000 का लेवल, इसका लेवल क्रॉस करेगा तो ये 16,500 तक आ सकता है, उसके बाद ये 14,000 और उसके बाद 12,000 का लेवल तक ये आ सकता है। और इसका जो चार्ट का जो एनालिसिस करूँगा तो ये सॉरी ऑप्शन चेन में जो है ऑप्शन चेन का ये बैंक निफ्टी निफ्टी का जो है निफ्टी का पीसीआर रेशियो कुछ 1 के ऊपर दिख रहा है और मैंने 9,500 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का बेसिस पे उधर लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड पे लॉन्ग बिल्डअप है और पुट साइड में 7,000 कुछ 7,500 का लेवल पे, इसका 7,000 हाँ सॉरी 8,000 का लेवल पे मैंने इसका पकड़ा है। तो इसका 8,000 का लेवल पे इसका सही इसका शॉर्ट शॉर्ट शॉर्टिंग हो रहा है पुट साइड में, तो ये इंडिकेट कर रहा है नीचे जाएगा। और ऑप्शन चेन का जो बैंक निफ्टी का जो है इसका बैंक निफ्टी का जो है ये 22,500 और 18,500 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो 7 दिन के हिसाब से दिख रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा नीचे ऊपर ही दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और जो मैंने उस लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ वो आप लोग मान के चलिए तो आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि उस लेवल पे उस साइकिल पे अब लोग काम करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, निफ्टी देखिए ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये फर्स्ट साइकिल में इसका ऐसा हो सकता है, फर्स्ट साइकिल में ये ऐसा चल सकता है, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल में ये ऐसा चल सकता है। मैंने सॉरी लेवल दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो लेवल्स बनेगा ये इस लेवल पे पहले वाला इसका जो पहले ये 90 इसका ये सपोर्ट, ये जो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का ये अपसाइड का है और 360 डिग्री ये फर्स्ट साइकिल का अपसाइड और फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड आप लोग नोट कर सकता है, फर्स्ट साइकिल का अपसाइड और फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड नोट कर सकता है। एक मिनट अब लोग को हाईलाइट करके दिखा देता था, ये फर्स्ट साइकिल का अपसाइड, फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, इसके बाद सेकंड साइकिल का अपसाइड, सेकंड साइकिल का डाउन साइड, उसके बाद थर्ड साइकिल का अपसाइड, थर्ड साइड का डाउन साइड। तो इसका हिसाब से आप लोग को जब जो जो कुछ भी लेवल आएगा इसका ऊपर नीचे जब मार्केट आएगा तो आप लोग इसको इसका हिसाब से चल सकता है। और भी कुछ लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, जो फिबोनाची का वाला जो लेवल्स है और जो वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल्स मैंने बना के रखा हूँ। देखिए ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, इसको मैंने पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। फिबोनाची गान और कैमरीला और जो कुछ भी है इसको आप लोग ये सब लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, इलियट वेब ये सब आप लोग नोट कर सकता है और ये वाला लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है।
ये आप लोग को क्लियर नजर आएगा। तो इसमें आप लोग इसका हिसाब से आप लोग मार्केट को मॉनिटर करेंगे तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को इसी का हिसाब से मार्केट चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और जो एनालिसिस मैंने करके रखा हूँ उसका मेरा पिछले वाला दो वीडियोस, आज का जो मतलब आज तो 27 तारीख है, 24 और 25 तारीख में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसका उस वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा को कैसे मतलब मार्केट क्या बिहेव कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग को जो मतलब जो सॉरी 26 तारीख वाला और 25 तारीख, 25 और 26 तारीख वाला वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए तो आप लोग को मतलब अभी जो निफ्टी का मूवमेंट आएगा मतलब रिट्रेस होगा, पहले ऊपर जाएगा उसके बाद फिर से कहाँ तक डाउन आ सकता है वो आप लोग को क्लियरली मालूम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।